आज़ादी बड़बोली बातों से और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं मिली। आज़ादी के लिए बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, तन मन धन से जब देश की सेवा की, उसके बाद में हम लोगों को आज़ादी मिली। और इन्हीं आज़ादी के योद्धा में से एक योद्धा है हज़रत टीपू सुल्तान शरीफ, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले जिन्होंने तलवार उठाई और अपनी जान देकर हिंदुस्तान की आन सलामत रखने की कोशिश की। ऐसे इस महान शासक के बारे में महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, जो काफ़ी अभ्यासु व्यक्ति मत हुए, इनके मुँह से जो भी शब्द निकले हैं ये गलत है, इसका हम निषेध करते हैं। उनका कहना है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हिंदू द्वेष्ट थे, हिंदू द्रोही थे, या फिर हिंदुओं के ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया। फडणवीस जी, अगर आप व्हाट्सअप के बजाय अगर इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देते, इतिहास का अगर आप थोड़ा नॉलेज देते, तो आपको पता चलता कि टीपू सुल्तान शहीद ने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। और इसी वजह से संविधान के अंदर में भी और बहुत सारे इतिहास के जानकारों ने भी प्रशंसा ही की है। ये शायद हमारे देवेंद्र फडणवीस भूल गए। तो देखिए, बहरहाल ये मुद्दा नहीं, मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र के अंदर में और भी दूसरे मुद्दे हैं और विरोधी पक्ष नेता होने की वजह से फडणवीस जी से हमारी ये विनती है कि उन्होंने वो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने चाहिए, जबकि आप इसमें बहस कर रहे हैं। देखिए, एक पराक्रमी योद्धा और अपनी प्रजा को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह चाहने वाला एक योद्धा, जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया और शहादत के दर्जे को पा गया, उनके बारे में आप जो बात कर रहे हैं ये गलत बात है। ये गलत बात से आपने बचना चाहिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमारी आपसे यही इच्छा है कि आप महाराष्ट्र के दूसरे भी मुद्दे उठाएँ, ST कर्मचारियों का मुद्दा उठाएँ, आप एजुकेशन का मुद्दा उठाएँ, आप जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह बेड वगैरह की कमी है दवाखानों के अंदर, वो मुद्दा उठाएँ। आप ये मुद्दे मत उठाएँ ना। देखिए, इलेक्शन महाराष्ट्र में नहीं, इलेक्शन UP के अंदर में है। UP के जैसा आप महाराष्ट्र को मत समझिए। महाराष्ट्र हमारा पुरोगामी है और पुरोगामी रहेगा इंशाल्लाह। और इसी जानिब से हमने माननीय तहसीलदार साहब के मार्फत से ये निवेदन दिया है माननीय उद्धव ठाकरे जी को और प्रतिनिधि में दिलीप वलसे पाटिल पूर्व मंत्री मार्फत जो, और हम यही चाहते हैं कि जनाब फडणवीस साहब अपने शब्द वापस लें और इसके बारे में माफ़ी मांगे और जो भी कार्रवाई सरकार उनके ऊपर करना चाहती है, जो योग्य कार्रवाई है उनके ऊपर में करें। देखिए सर, जब कुछ लोग